नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और रोज़ की तरह आज के जो हमारा वीडियो है उसमें क्वेश्चन टाइप नहीं है, ये बुक के क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मैंने पीडीएफ बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद में कुछ बात बताना चाहूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आज 18 या 20 क्वेश्चन है, इसमें दो एक क्वेश्चन हमने पहले के भी इसमें इंक्लूड किए हैं और ये इतने ईजी क्वेश्चन है कि शायद आप सभी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आपको 18 क्वेश्चन में से 18 नंबर आ जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपकी तैयारी जो है चल रही है पर्यावरण के टॉपिक वाइज, और आज भी चल का ही ये 6 नंबर का वीडियो है। और दिन की बात करें तो आज दिन 25वां है जिसका हमारा ये वीडियो हम लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन सहित, मतलब इस सेशन सहित आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जल के, जैसा कि मैंने थंबनेल में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वादा किया था। ऐसा ही अगला टॉपिक जो कि सोमवार से स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन करवाएंगे। और कल आपका जो है महत्वपूर्ण सेशन रहेगा 30 क्वेश्चन का, जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन रहेंगे रविवार स्पेशल। तो पहला क्वेश्चन है, जल आवश्यक है, ठीक है, केवल पौधों के लिए, केवल मनुष्य के लिए, सभी जीवित प्राणियों व जंतुओं के लिए या किसी के लिए भी नहीं? तो आप सभी जानते हैं जल सभी जीवित प्राणियों, जंतुओं व पौधों के लिए आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है, आप सभी जानते हैं हम H2O बोलते हैं पानी का ये रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। जल क्या है? जल मिश्रण है, यौगिक है, तत्व या गैस है? तो जल हमारा यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक निश्चित, यानी कि 2:1 आपका हाइड्रोजन और 1:1 यानी 2:1 में आपका जो है एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। और यदि किसी चीज़ का निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाया जाता है तो वह यौगिक होता है। तो जल हमारा क्या है? यौगिक है, आपको याद रखना है। जल की अवस्था है, जल की कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, आप सभी जानते हैं जल तीनों अवस्था में रह सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? हम 3/4 पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको 3/4 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल का गैसीय रूप कहलाता है, आपको बताना है, जलवाष्प कहलाता है, जल स्राव कहलाता है, बर्फ कहलाता है, द्रव कहलाता है? तो आपको देखने भी समझ में आ रहा होगा कि उसको जलवाष्प कहते हैं, जल के गैसीय रूप को जो कि वातावरण में व्याप्त रहता है हमारे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल का धरातलीय स्रोत है, मतलब धरातल पर हम जल किस तरह से प्राप्त करते हैं, ये हमें बताना है। तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा स्रोत लगता है जिसके माध्यम से हम भूमि पर ही जल प्राप्त करते हैं? कुआं, नलकूप, नदियाँ, हैंडपम्प? देखिए दोस्तों, जो जल को हम धरती पर प्राप्त करते हैं बिना उसकी खुदाई किए, तो वो हमारे पास नदी उसका स्रोत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कुएं, नलकूप, हैंडपम्प, ये क्या है? ये भूमिगत जल स्तर के स्रोत है, मतलब हम इसके माध्यम से भूमिगत अंदर गहराई में स्थित जल को बाहर लेकर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 117, समुद्र जल होता है, पढ़ते आ रहे हैं, समुद्र जल कैसा होता है? खारा होता है। नदियाँ मानव जीवन के लिए कैसी है? महत्वपूर्ण, बेकार, अनुपयोगी, आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति में जल का पुनः चक्रण किसके द्वारा होता है? वर्षा द्वारा, सिंचाई द्वारा, पौधों द्वारा, जंतु द्वारा? तो यहाँ वर्षा द्वारा जो है वो पुनः चक्रण, दोनों के द्वारा तो होता नहीं है, हमारे पास पौधों द्वारा और वर्षा द्वारा ऑप्शन है, तो वर्षा द्वारा जो है जल का पुनः चक्रण होता है। भूमिगत जल प्राप्त होता है समुद्र द्वारा, हैंडपम्प द्वारा, नदी द्वारा, अभी हमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा हम धरातलीय जल हमें कैसे प्राप्त होता है, और इसमें हमें पढ़ना है कि हम भूमिगत जल कैसे प्राप्त होता है। तो नदियाँ और समुद्र क्या है? धरातलीय जल स्रोत है, तो आपका हैंडपम्प जो है वो सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका भूमिगत जल स्रोत का एक ऑप्शन हो जाएगा। नमक बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल के अणु के निर्माण में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग लेते हैं? तो हमने पढ़ा है H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलके आपका पानी का निर्माण करते, तो यहाँ पर कितने परमाणु भाग लेते हैं? 2, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जल होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, आपने भी जल को देखा होगा वो पारदर्शी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है, शुद्ध जल की कम होती है या फिर अधिक होती है या फिर बहुत अधिक होती है, मध्यम होती है, तो जो शुद्ध जल की चालकता होती है वो कम होती है। जमने पर जल का घनत्व कैसा हो जाता है ये आपको बताना है, तो जमने पर जल का घनत्व अधिक होता है, अपरिवर्तित होता है, कम होता है, तो कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों की किस क्रिया
मैं जल के बाहर हूँ, जलवाष्प के बाहर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पौधों की किस क्रिया में जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो जल वाष्प के रूप में किस क्रिया में बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में, जनन में, संचयन में, तो वाष्पोत्सर्जन में जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, मतलब पौधों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। अगला हमारा क्वेश्चन लास्ट और अंतिम है, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल का होता है, 80, 100, 50, 70। तो 80% भाग जो है उसमें जल का होता है। तो आज के सेशन में हमने 18 क्वेश्चन किए, जिसमें मुझे लगता है कि आपको 18 में से 18 ही नंबर आ गए होंगे। तो ये जो हमारे आज मैंने ये क्वेश्चन इतने सरल इसलिए इसमें ऐड किए हैं, आप देखते जा रहे हैं जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें सब में हमने रोजाना लेवल हाई किया है, लेकिन आज हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लो लेवल के हैं। तो मैं बता दूँ दोस्तों, ये लेवल है आपके 2011 के टाइम पर जो एग्ज़ाम हुई थी उस टाइम पर जो क्वेश्चन आपके आते थे उस टाइम का लेवल है ये। तो आई होप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके एक आध आ सकते हैं, पर ये लेवल बहुत ही आपके लिए कम है। ये क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण से संबंधित तो है लेकिन जल की उन सभी साधारण सी बातों से संबंधित है जो कि हम हमारे दैनिक क्रियाकलाप में पढ़ते आए हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना था कि पहले इस टाइप का लेवल था और आज का लेवल देखिए आप 9-10 साल बाद कि कितना हाई लेवल हो गया और हमें कितनी गहराई से चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपका मंडे से, ये हमारा लास्ट सेशन था, इसके सहित आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। और यदि आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपका महत्वपूर्ण सेशन होगा 30 क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।